एक्सरसाइज 3.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन. आपके एक टेबल है, आप अपनी टेबल पर एक लैंप रखा हुआ आपकी टेबल पर, आप उस लैंप की पोजीशन किसी दूसरे इंसान को कैसे समझाएंगे? ये आपकी टेबल टॉप है, और इस टेबल टॉप के ऊपर यहां पर एक लैंप रखा है. दिस इज लैंप. अब आपको ये बताना है कि ये लैंप टेबल पर कहां है. क्लियर? आपकी जो टेबल है, आप इस टेबल की किसी भी दो परपेंडिकुलर साइड को ग्राफ के एक्सिस कंसीडर कर लीजिए. जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है हम उसको क्या मान लेते हैं, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल एक्सिस होता है हम उसको क्या कंसीडर कर लेते हैं, वाई एक्सिस. तो एक तरह से ये आपका ग्राफ पेपर बन गया. क्लियर? ये टेबल आपकी क्या बन गई, एक तरह से ग्राफ. ठीक है, तो पहला स्टेप आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन फर्स्ट, कंसीडर एनी टू परपेंडिकुलर साइड्स एज एक्सिस ऑफ कार्टेशियन प्लेन. ये तो आपके समझाने के लिए है. जैसे हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल साइड, हॉरिजॉन्टल साइड का नाम ले लिया हमने ओ एक्स इज कंसिडर्ड एज एक्स एक्सिस. जो हॉरिजॉन्टल साइड हमने टेबल की दिखाई ओ एक्स, उसको हमने क्या मान लिया है, एक्स एक्सिस. और दूसरी साइड कौन सी होती है, वर्टिकल साइड, जो हमारे डायग्राम में ओ वाई है, इज कंसिडर्ड एज वाई एक्सिस. कंसिडर किया, फिर आप क्या कीजिए, इस लैंप की पोजीशन सबसे पहले वर्टिकल साइड से मेजर कीजिए. आप कोई भी मेजरिंग टेप लीजिए, जैसे कि आप स्केल यूज कर सकते हैं. अब हम जैसे स्केल यूज करते हैं, तो इस लैंप को यहां से मेजर किया गया, तो मेरे अकॉर्डिंग इसकी डिस्टेंस यहां से 10 सेंटीमीटर. अब टेबल तो सेंटीमीटर में नहीं होती, तो हम एज्यूम कर लेते हैं इसकी डिस्टेंस 10 यूनिट्स है. ठीक है, फिर आप इसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से मेजर कीजिए. एक्स एक्सिस से मेरे अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस आ रही है 14 सेंटीमीटर. तो 14 यूनिट्स. तो जो वाई एक्सिस से दूरी होती है किसी भी पॉइंट की, वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और जो एक्स एक्सिस से दूरी होती है वो ग्राफ पे वाई कोऑर्डिनेट होता है. तो अगर इस लैंप का नाम पी है, तो पोजीशन ऑफ द लैंप इज 10-14 ऑन द टेबल. ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे, आप मेजर द डिस्टेंस ऑफ लैंप पी फ्रॉम वाई एक्सिस. मेजर किया आपने, और वो हमने मान लिया से वो हमारी आ गई 10 यूनिट्स. नेक्स्ट वन, मेजर द डिस्टेंस ऑफ लैंप P from x axis से वो आ गई हमारी 14 यूनिट्स. तो पोजीशन ऑफ लैंप ऑन टेबल वो हुई P 10, 14, और ये आपका